सुभाष मुंडा की हत्या के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला विनोद ही निकला साजिशकर्ता। सुभाष मुंडा हत्याकांड में शामिल अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, सीएम ने कहा। इसलिए हुई सुभाष मुंडा की हत्या। रांची पुलिस ने माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उनकी हत्या जमीन विवाद में की गई थी। हत्याकांड के साजिशकर्ता विनोद कुमार उर्फ कन्हैया के अलावा छोटू खालको और अभिजीत कुमार पाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक लोडेड रिवॉल्वर, एक शॉटगन, टेलीस्कोपिक लोडेड स्टॉर्टिंग राइफल, एक पिस्टल, एक फॉर्चुनर गाड़ी और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में हत्याकांड का खुलासा किया। इस मामले के शूटर बबलू सहित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। 26 जुलाई को नगरी थाना के दलादली चौक के समीप सुभाष मुंडा के ऑफिस में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। एसएसपी ने बताया कि सुभाष मुंडा की हत्या के बाद विनोद कुमार सबसे अधिक विरोध और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा था कि सुभाष मुंडा की हत्या से उसे सबसे अधिक दुख हुआ है। सुभाष मुंडा की हत्या के दिन बबलू करीब 10 बार कार्यालय और आसपास की गतिविधियों में देखा गया। सुभाष मुंडा हत्याकांड में शामिल आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, सीएम ने कहा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में शामिल अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, उनके परिजनों को न्याय मिलेगा। सीएम ने झारखंड विधानसभा में उनसे मिलने आए स्वर्गीय मुंडा के परिजनों से यह बातें कही। स्वर्गीय मुंडा के पिता ललित मुंडा व माता छोटन देवी ने सीएम से मदद का अनुरोध किया। इस पर सीएम ने कहा, पुलिस हत्याकांड से जुड़े हर बिंदु पर अनुसंधान कर रही है। मैंने खुद इस हत्याकांड को गंभीरता से लिया है, लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ। जल्द ही दलादली चौक के समीप पुलिस ओपी बनाया जाएगा, साथ ही स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। रिंग रोड स्थित चौराहे पर जमावड़ा लगाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हुई सुभाष मुंडा की हत्या। एसएसपी ने बताया कि मुंडा मूलतः जमीन कारोबारी थे। दलादली मौजा स्थित 119 डिसमिल के भूखंड के स्वामित्व को लेकर लाल गुटवा के रहने वाले जमीन कारोबारी छोटू खालको उर्फ छोटू उराव के साथ मनमुटाव था। इसके पहले भी 90 डिसमिल जमीन पर छोटू खालको की ओर से समझौता किया गया था, उस पर भी विवाद चल रहा था, जिसे छोटू खालको गुस्से में था। एसएसपी ने बताया कि 119 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से छोटू खालको ने सुभाष मुंडा के सहयोगी विनोद कुमार उर्फ कन्हैया को जमीन में आधा हिस्सा देने का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में किया। इसके बाद छोटू खालको और विनोद कुमार उर्फ कन्हैया अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विनोद महतो की शादी के समय से ही सुभाष मुंडा की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिए। इसके एवज में अपराधियों को 15 लाख रुपए नकदी एवं उसी प्लांट में से 10 डिसमिल जमीन देने का वायदा किया गया। छोटू खालको की ओर से उन्हें 6 डिसमिल जमीन भी दे दिया गया है। घटना के पूर्व विनोद कुमार उर्फ कन्हैया की ओर से अपराधियों को 3 लाख रुपए एवं छोटू खालको की ओर से अग्रिम राशि के तौर पर 1 लाख रुपए एवं 1.765 mm का देसी पिस्टल भी उपलब्ध कराया गया। एसएसपी ने बताया कि अपराधी घटना के पूर्व अपने साथ 2 शूटर लाकर छोटू खालको और विनोद कुमार के सहयोग से घटना स्थल की रेकी की।